लेकिन डर किस चीज का? क्या वर्ल्ड कप का डर है? क्योंकि नेदरलैंड से अगर हम डर रहे हैं तो अभी तो बहुत सी तगड़ी टीमें पड़ी हैं, उनके सामने क्या करेंगे? देखिए, हमारी टीम कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था, टीम के जाने से पहले भी हमने यही लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि किस तरह की टीम भेजी है। और आज भी आप देखें कि आपके अपर ऑर्डर में, आपके इब्तदाई अगर देखें पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम उसका एडवांटेज लेने में नाकाम रही कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से खेलता है कि पावर प्ले का, और अगर 3 आउट हो जाए 38 रन पे तो उसके बाद मैं कहता हूँ सऊद शकील को ये सिर्फ क्रिकेट की बस के तना मुनासिब मुसाफिर की तरह लेकर जा रहे थे। आज उसने प्रूव किया है कि वो डिफिकल्ट कंडीशन में भी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी, फिर सऊद शकील बैटिंग के लिए आए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान के इब्तदाई मैच कोई इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं है, नेदरलैंड के खिलाफ है, पाकिस्तानी टीम ट्यून अप हो जाएगी और फिर उसके बाद 10 तारीख को पाकिस्तान का श्रीलंका से। तो मैं समझता हूं कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, पाकिस्तान को अपनी इस बैटिंग फेलियर का जो है वो उसका अंदाजा करना चाहिए कि बड़ी टीमों के खिलाफ अगर इस तरह की गलतियां की तो वहां वो वापस नहीं आने देंगे, यहाँ तो वापस आ गई पाकिस्तानी टीम। मैं समझता हूँ दुआ करें कि पाकिस्तान जो है, नेदरलैंड की बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं है, अगर कोई अपसेट ना करे तो पाकिस्तान जीत सकता है ये मैच। जाहिर साहब, आप एग्री करेंगे मिर्जा साहब की बात से? यकीनी तौर पे, क्योंकि स्कोर बहुत कम नहीं है। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बाबर आजम ने टॉस जीतने के बाद ये कहा था कि 290 से 300 हम करना चाहते हैं, तो 290 के करीब तो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब बॉलर्स का इम्तिहान है, क्योंकि नसीम शाह जाहिर है टीम में नहीं है, उनकी जगह हसन अली को लिया गया है, शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, खास तौर पर क्योंकि शाहीन और हारिस तो की जाती है कि वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन हसन अली और शादाब को आज इस मैच में और अहम मैच में, जो पहला मैच भी है, ये साबित करना पड़ेगा कि उनके पे जो तनकीद हो रही है नहीं, वो मेरिट पे टीम में लिए गए हैं। एक सख्त, क्योंकि हसन अली काफी देर के बाद वनडे मैच खेलेंगे, उन्होंने प्रैक्टिस मैच पहले खेला, उसमें अच्छे खासे उनको रन पड़े थे, और उनके साथ नवाज भी हैं। लेकिन बहरहाल लगता तो ऐसा है कि पाकिस्तानी टीम, और खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि जीत में फील्डिंग बड़ा रोल प्ले करती है, यहाँ पे कैचेस ड्रॉप नहीं करने होंगे, और जो टीम अगर कैचेस एक दो अहम मौके पर ड्रॉप हो गए तो फिर खतरनाक टीम साबित हो सकती है न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के लिए।